पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत हुई है। घटना स्थल पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है इस मार्ग पर, क्योंकि दोनों तरफ से बैरिकेड्स डाउन हो चुके हैं। यहां पर बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड मौजूद है, SOG के जवान यहां पर मौजूद है, और यहां पर जो है तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए अब कार्रवाई का जिम्मा जो है वो NIA के कांधों पे आ चुका है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। सेना के वाहन पर गोलीबारी हुई, क्योंकि सीधे सीधे सेना के सामने ये बुजदिल आ नहीं सकते। इनको पता है इनको तुरंत झन्नुम में भेजा जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में लगातार जारी है और इसी बात से बौखलाए हुए हैं आतंकी। इसके अलावा आपको बताएं G20 की बैठक भी, और जिस तरीके से G20 का होस्ट कर रहा है भारत, इससे कहीं ना कहीं हमारे अड़ोसी पड़ोसी मुल्क काफी परेशान है और वो ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस बड़े प्रोग्राम के बीच भारत में अशांति फैलाई जाए। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि चप्पे चप्पे पर भारत मां के वीर सपूत मौजूद हैं, तैनात हैं। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, सेना का वाहन जा रहा था, उसमें आर्मी के कई ऑफिसर्स मौजूद थे, जवान मौजूद थे, और सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, आज क्योंकि कल जो कुछ हुआ, 5 जवानों की शहादत देश नहीं भूलने वाला, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन जो मंसूबे हैं हमारे अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों की कि G20 के दौरान कैसे अशांति फैलाई जाए, कैसे संदेश दिया जाए कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, अब सीधा सीधा चैलेंज ये आर्मी के सामने भी है, सरकार के सामने भी है। आर्मी के कन्वॉय पे हमला एक बहुत ही दुखद हमला है और ये बिल्कुल घात लगा के उन्होंने हमला किया था। हमलावर जो है वो आतंकी संगठन है, उन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली। जिम्मेदारी लेने के बाद से वहां पे मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और ये जिम्मेदारी NIA को सौंपी गई है कि जल्दी से जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। हमारे 5 सैनिक मारे गए, निश्चित तौर पर दुख की बात है, लेकिन जिन लोगों ने ये मंसूबा बनाया हुआ है कि G20 की मीटिंग को हम शांतिपूर्ण ढंग से नहीं संपन्न होने देंगे, उनको शायद बहुत जल्दी झटका लगने वाला है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वहां की जो जांच एजेंसियां हैं और जो वहां पे उनके ऑक्सिलरी फोर्सेस हैं, वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि लोग कहां कहां पे छिपे हो सकते हैं और किनका इसमें हाथ हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आज शाम तक या कल तक आपको एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, जिसमें जो लोग ये मंसूबा पाले हैं कि G20 की मीटिंग को हम शांति से नहीं होने देंगे या आर्मी को हम परेशान कर देंगे, उनको बिफिटेड रिप्लाई मिलने वाला है। कृष्ण जी, अब से कुछ देर पहले PK सहगल साहब, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कहीं ना कहीं ये तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड रहता ही है कश्मीर के अंदर, सीमा पार को तो जवाब देने के लिए हमारी सेना सीमा पर तैनात है, लेकिन वो जयचंद जो देश के अंदर ही मौजूद है, जो इन आतंकियों को पनाह देते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, और जब सेना उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करती है तो ह्यूमन राइट्स की बात होती है, यानी दोहरे फ्रंट पर लड़ाई होती है। देखिए, हमारे सेना अध्यक्ष और हमारे तमाम होम मिनिस्टर और तमाम लोग ये कहते रहते हैं, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि भारत हमेशा जो है ढाई फ्रंट पे लड़ता है। ढाई फ्रंट का मतलब ये होता है कि एक तो बाहरी शक्ति है, एक जो है उसका पूरा बाहरी शक्ति का मतलब जो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, उसके बाद एक हमारी इंटरनल जिसको हम आधा मानते हैं, और एक वो जो बिल्कुल मोटिवेटेड होता है जिसमें बाहर की तमाम शक्तियां लगी होती है ताकि वो स्थायी तौर पे उनको परेशान किया जाए। तो जो PK सहगल साहब ने कहा, उनका एक बहुत लंबा अनुभव है और निश्चित तौर पे जो हम इंटरनल इंसर्जेंसी जिसको कहते हैं उससे निपटना हमेशा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि हमारे सामने बालाकोट का उदाहरण है और हमने जाके उनको अंदर मारा भी था, लेकिन ये अंदर के लोग हैं, IS सपोर्टेड ये TAFF के जो लोग हैं, ये इनका काम ही ये है कि दहशत फैलाइए और लोगों को ये बताते रहिए कि हम जिंदा हैं, लेकिन उनको मान लेना पड़ेगा कि ये पहले वाली सरकार अब नहीं और पहले वाली व्यवस्था नहीं है कि आप छिटपुट आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और आप बचते रहेंगे। तो वो ये मान ले कि अगर 5 मारे हैं तो 15 मारे जाएंगे। कृष्ण जी, आपने जिक्र किया सरकार का, और हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ जिसमें एक महानुभाव पूर्व राज्यपाल पुलवामा को लेकर अपनी बात कर रहे थे, उसको लेकर माहौल इतना गर्म है, और उस बीच एक बार फिर से सेना की वाहन को टारगेट किया जाना, ये 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 किस तरीके से इन तमाम चीजों को अब एजेंसीज देखेंगी, क्योंकि NIA भी आज पहुंच रही है, और देश की जनता कहीं ना कहीं सैनिकों को लेकर भले ही व्यक्तिगत रूप से आप और हम उन्हें नहीं जानते हो, लेकिन अगर बात सेना की आ जाती है तो सीधा बात दिल पर लगती है।
बात जानने की और ना जानने की नहीं है। जो वहां पे मरा है वो हमारा भाई है, किसी का बेटा है, हमारे परिवार और हमारे समाज का सदस्य है। और किसी भी निर्दोष की इस तरीके से कायराना तरीके से हत्या, जो वहां के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी ने कहा कि ये कायरतापूर्ण एक हरकत है। हमारे रक्षा मंत्री जो कि खुद कोरोना से संक्रमित है, उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो हमारे लोग मारे गए हैं वो हमारे अपने थे और उसको देश उनकी शहादत को कभी नहीं भूल सकता। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि राजनीतिक हलकों में जिस तरह की चर्चा है, तो जो सैनिक हमारे मारे गए हैं उनकी शहादत का बदला निश्चित तौर पे लिया जाएगा। और ये जो लोग इस पे पीएएफएफ ने जिस तरह जिम्मेदारी ली है, इनका सीधे सीधे संपर्क जो है वो आईएसआई से है। आईएसआई ये कौन है? ये पाकिस्तानी से रिमोट के जरिए इसको चलाते हैं, फंडिंग करके चलाते हैं। हमारे मुल्क में वो किसी भी तरीके से अशांति फैलाना चाहते हैं। तो अशांति हमारे देश में कोई भी फैलाए उसको हमारा देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी जिन आतंकवादियों ने हमला किया वो मारे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच कृष्ण जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो देखिए, बदला होगा और करारा जवाब दिया जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन हर एक फ्रंट पर भारत जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई और ये बलिदान जो है ये खाली नहीं जाएगा। लगातार पुंछ में जो कुछ हुआ, एनआईए मौके पर पहुंच रहा है। पुंछ आतंकी हमले की जांच, एनआईए घटनास्थल पर जाएगी, मौके को समझेगी, क्या कुछ परिस्थितियां कल हुई, इसको लेकर एनआईए की छानबीन आगे बढ़ेगी। आपको यह भी बताएं कि फॉरेंसिक टीम स्पॉट से जरूरी साक्ष्य जुटाएगी, एनआईए की 5 सदस्यीय विशेष टीम इसकी जांच करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले राजौरी में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही है। श्रीनगर में G20 की बैठक होने वाली है, ऐसे में आतंकियों की कायराना हरकत कर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की ये कोशिश है। तो एनआईए पहुंच रही है, घटनास्थल का जानकारी लेगी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी SOG फिलहाल मौके पर मौजूद है। आपको यह भी बताया, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचेगी। जानकारी है कि 50 से अधिक राउंड फायरिंग यहां पर की गई सेना के इस वाहन पर, जिसके अंदर कई जवान थे। 5 जवानों की शहादत इसमें हुई है और 1 जवान इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत भी काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है, मैसिव सर्च ऑपरेशन मौके पर जारी है। जानकारी यह थी कि अब से कुछ देर पहले तक भी बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड मौके पर मुआयना करता रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए जवानों में से एक शहीद कुलवंत सिंह मोगा पंजाब के गांव चडिक के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार कुलवंत सिंह जी के पिता भी कारगिल में शहीद हुए थे। कुलवंत जी के 1.5 साल की उनकी एक बेटी है, 3 महीने का उनका एक बेटा है। जैसे ही उनके शहीद होने की खबर उनके परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई। पंजाब के रहने वाले, भारत मां के वीर सपूत, और आप देखिए परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी कि पिता भी कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान दे चुके हैं। आपको बताएं कि इस पूरे हमले को लेकर लगातार देश में आक्रोश व्याप्त हो रहा है और इसको लेकर एक एक करके तमाम अपडेट्स भी सामने आ रही है। सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने गोलीबारी की, सोर्सेज कह रहे हैं आतंकियों ने गाड़ी पर 50 राउंड फायरिंग की है। सेना की गाड़ी में ईंधन का सामान रखा था और एकाएक वाहन ने आग पकड़ ली। सूत्रों के मुताबिक वाहन में आग लग गई, 5 जवानों की शहादत हो गई। आतंकी हमले में सेना के 5 जवानों की शहादत हुई है, 1 जवान की हालत गंभीर है। सेना के मुताबिक इस क्षेत्र में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल यूनिट पर आतंकियों ने हमला किया, क्योंकि ये वो बुजदिल हैं, वो कायर हैं, जो सामने से आकर सेना का सामना नहीं कर सकते। पता है इनको कि अगर सामने आएंगे तो रौंद दिए जाएंगे। और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार इस क्रम में सेना आगे बढ़ रही है। 50 से अधिक राउंड फायरिंग किए गए और जैसा जानकारी लगातार एक्सपर्ट्स दे रहे थे, ये जो पूरा रूट है, जो पूरा स्ट्रेच है जहां पर इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, वहां पर लंबे वक्त से इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी और इसीलिए इसको जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि घाटी में G20 की बैठकें, G20 से बढ़ता हुआ वर्चस्व भारत का, जिस तरीके से अब तक भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर वैश्विक पटल पर उभरता हुआ देश, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश, और हर किसी की नजर इस वक्त भारत में, ऐसे में यह बताने की कोशिश, ये मैसेज देने की कोशिश कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन
वीर सपूत और हर कोई जानता है भारत की सैनिकों की क्षमता क्या है, हमारे जो अलग अलग फोर्सेस हैं उनकी क्षमता क्या है। और अब देश सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा है कि इन 5 शहादतों का बदला कब और कैसे लिया जाएगा।